है खास हर अंदाज। और आज समझ पा रहे हैं क्योंकि हम लक्ष्मी हैं। तुमने हमें राधा बनाकर सदैव लक्ष्मी से दूर रखा, हमें हमारे सत्य से दूर रखा। गोपी, नहीं, नहीं, ये सत्य नहीं गोपी। नहीं ग्वाले, हम बिना मैया बाबा को बताए तुमसे मिलने के लिए घर से दौड़े आते थे। हम समझ नहीं आता था क्योंकि हम हमारा सत्य नहीं जानते थे, किंतु तुम हमारा सत्य जानते थे कि हम क्यों आते थे, और फिर भी तुमने कभी भी हमें हमारे सत्य नहीं बताया। तुमसे अधिक निष्ठुर, निर्भाव और निर्मोही कोई नहीं हो सकता। गोपी, उस समय परिस्थितियां ही ऐसी थी कि हम तुम्हें तुम्हारा सत्य नहीं बता पाए। ठीक है ग्वाले, राधा बिटिया, क्या बात है? तुम इस प्रकार शंख बजाकर सबको क्यों एकत्रित कर रही हो? काकी, बात ही इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें सबको एकत्रित करना पड़ा, क्योंकि हम ये बात सबको एक साथ बताना चाहते हैं। परंतु बात क्या है राधा? आज हम आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा सत्य बताने वाले हैं। वो सत्य जो आज तक आप सभी लोगों से छुपा कर रखा गया था, वो सत्य जिसे सुनकर आप सभी लोगों की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। ऐसा कौन सा सत्य है राधा जो हमसे छुपा हुआ है? काका, आप लोग जिनकी पूजा पाठ करते हैं, जिनका नाम दिन भर लेते हैं, संकट के समय जिन्हें सहायता के लिए पुकारते हैं, आपके वो ईश्वर, आपकी वो आराध, आपकी वो देवी आज आपके सम्मुख आने वाली है। राधा बिटिया, तुम क्या कह रही हो? किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा, स्पष्ट रूप से कहो। काका, हम ये कह रहे हैं कि हम राधा नहीं अपितु देवी लक्ष्मी, साक्षात देवी लक्ष्मी के अवतार। आप लोगों के मध्य हम राधा के रूप में रहते हैं, पर वास्तव में हम देवी लक्ष्मी हैं।